कैसे हो लोग। आज के हमारे इस वीडियो का मुद्दा है कि जेई और नाटा की दोनों एग्जाम्स के लिए एक साथ प्रिपेयर करने का क्या एक बेस्ट तरीका होना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल वे, वो आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पर्टिकुलर ए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और सोच रहे हो कि साथ साथ के अंदर नाटा या फिर जेई के लिए भी प्रिपेयर किया जा सकता है। बट अगर हम ध्यान देते हैं, अगर ए के लिए प्रिपेयर करते हैं ओनली नाटा के लिए तो हम अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 घंटे रोजाना दे रहे हैं, या फिर अगर हम जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 घंटे रोजाना दे रहे होते हैं। बट लेकिन इन दोनों के जब साथ में बात आती है तब क्या भैया इन सबको जोड़कर 9 से 10 घंटे देना पड़ेगा। ठीक है, हमारे बोर्ड एग्जाम्स भी है, हमको उसको भी 4 से 5 घंटे देकर चलना है दिन के। तो क्या किया जाए इसके लिए, क्या तरीके हैं? कुल लग रहा है आज के वीडियो के अंदर दो तरीके मेनली डिस्कस करने वाला हूँ। दो तरीके इन द सेंस की मतलब दो ऐसे मेन मेजर लोकेशन है जहां पर आपको ध्यान देना होगा, और वो दो लोकेशन नाटा और जेई को डिफरेंशिएट करती है। दो ऐसे सेक्शंस है आज के वीडियो के अंदर, उन दोनों सेक्शंस के ऊपर मेजरली बात करेंगे और कैसे हम दोनों सेक्शंस को मैनेज करते हुए चलना है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करता हूं, अगर चूंकि दो सेक्शन की मैं बात करूंगा तो हमको अप्रोक्सीमेटली पहला जो तरीका है, दो तरीके कुल मिलाकर पहला तरीका है उसके अंदर दो मेजर लोकेशन होने की वजह से हमको उसमें 2 घंटे एक्स्ट्रा देना होगा। और सेकंड जो तरीका है उसके अंदर ही बात करूंगा भैया कि हमारे बोर्ड एग्जाम से हमको बोर्ड एग्जाम फिर भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, पहले फर्स्ट वाले तरीके की बात करते हैं। फर्स्ट वाला तरीका भी बेस्ट है अपनी जगह और सेकंड वाला तरीका भी बेस्ट है अपनी जगह। ठीक है, अपन पहले बात करेंगे किससे, सेक्शन से शुरुआत करते हैं। हमारे पास जो मेनली जितने भी सेक्शन है उसके अंदर बात करेंगे मेनली कि सेक्शन को डिफरेंशिएट करते करते हमको कैसे करके तैयारी करनी। ठीक है, सबसे पहला जो सेक्शन है हम जानते हैं, पहले एग्जाम के बारे में बात करें थोड़ा सा कि जेई जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो 20 जून को होने वाला है। अप्रोक्सीमेटली हम आइडिया लेकर चल रहे हैं कि भैया 20 जून से जेई का फर्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो एग्जाम है हम पहले दिन मानकर चलते हैं 20 जून को। और नेक्स्ट जो नाटा का फर्स्ट अटेम्प्ट है भैया वो तो 12 जून को ही है, मतलब यानी कि बात करते हैं तो पहले नाटा का एग्जाम करीब आ रहा है, तो इसके ऊपर थोड़े मेजर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के साथ में हमको बैलेंस करते हुए चलना पड़ेगा। मैं पहले वो सेक्शन की बात करता हूँ जो सेक्शन हमारे पास कॉमन नहीं है, जिसको बिल्कुल अलग सेक्शन है। जैसे हम जेई के अंदर जानते हैं 3 सेक्शन होते हैं, कौन सा, ड्राइंग, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स। हम बात करते हैं इसकी ड्राइंग की, जो कि नाटा में इस साल नहीं है। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पर सेक्शन है वो होगा कौन सा, ड्राइंग सेक्शन। अब जो ड्राइंग सेक्शन है यार वो हमारे पास क्या है, नाटा में तो नहीं है, ओनली किसमें, जेई के अंदर ही ड्राइंग सेक्शन है, ये तो हमको पता है भैया। ठीक है, अगर हम ध्यान दें तो जेई के अंदर मैं हमेशा बोलता हूँ कि ड्राइंग को करने के लिए आपको रोजाना के 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली हम बात करते हैं तो 1 आवर हम इसके लिए मानकर हमेशा चलते हैं, और रोजाना के गारंटेड यार, उम्मीद करता हूँ आप 1 आवर इसको दे भी रहे होंगे, रोजाना के 2 से 3 स्केच आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, ड्राइंग के लिए, ये तो इसकी बात हुई जेई की भैया, ये तो पहला सेक्शन है जो कि एक अलग सेक्शन है, ये कॉमन नहीं है, है ना। अब हम बात करते हैं पहला कॉमन नंबर सेक्शन, जो कौन सा और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, वो है हमारे पास कौन सा है, यहां लिख देते हैं सेकंड नंबर, वो हमारे पास है कौन सा, मैथमेटिक्स, जो कि हम जानते हैं किसमें, जेई के अंदर ही पूछी जा रही है और नाटक के अंदर ही पूछी जा रही है। अब जो जेई की मैथमेटिक्स है, जो जेई की मैथमेटिक्स है, वो जो मैथमेटिक्स वो हमारे पास 11th और 12th क्लास की है, जो कि हमारे को करना, रोजाना प्रैक्टिस करना मस्ट होता है, कंपल्सरी होता है। अगर आप इसको रोजाना प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप जेई के अंदर टॉप कॉलेज के अंदर एंट्री मार नहीं सकते हो, सीधे सीधे बात है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको रोजाना जेई की 11th 12th की मैथमेटिक्स के अंदर आपको रोजाना 2 से 3 घंटे अप्रोक्सीमेटली दे पड़ेंगे, और आप गारंटेड दे रहे हो, इससे ज्यादा दे रहे हो, ये मैं उम्मीद करके चलता हूँ। ठीक है, अगर आपको नोट्स अवेलेबल है तो मेरे पास चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है इसके, जेई के नोट्स की, जिसके अंदर मैंने खुद के हैंडरिटन शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए हैं, जो भी 2-3 चैप्टर के बचे हैं वो भी आपको मिलेंगे इसी महीने में अप्रैल के अंदर। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं किसकी, नाटा के बारे में, कि भैया नाटा की जो मैथमेटिक्स है वो क्या है और क्या इन दोनों में डिफरेंशिएट हो रहा है वो समझते हैं ध्यान से। नाटा की मैथमेटिक्स जानते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स पूछते हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं 9th और 10th क्लास की मैथमेटिक्स, प्लस मैं कुछ यहाँ पर जोड़ देता हूँ फिजिक्स, क्योंकि नाटक के अंदर भैया फिजिक्स भी आती है। ठीक है ना, अब जो यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा आता है, पहली चीज जो नंबर वन जो लोकेशन थी, नंबर वन जो फील्ड है, नंबर वन जो चीज स्पोर्ट हमको ध्यान देना है, वो ये कि मैथमेटिक्स को बैलेंस करने के लिए हमको रोजाना 2 से 3 घंटे ध्यान दे रहे थे। तो जैसे मैंने बोला था कि आप रोजाना अगर 5 घंटे भी टोटल अगर आप प्रिपरेशन को दे रहे हो, अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर नाटक की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 5 घंटे के अंदर से हमको प्लस एक्स्ट्रा 2 घंटे जोड़ने, अगर आप जेई को 5 घंटे दे रहे हो तो हमको 2 घंटे एक्स्ट्रा नाटक के लिए जोड़ने, अगर आप नाटक को 5 घंटे दे रहे हो तो हमको 2 घंटे एक्स्ट्रा जेई के लिए जोड़ने। कैसे करना है, 1 घंटा तो भैया ड्रॉइंग का फिक्स हो गया जो कि चला गया, नेक्स्ट बचे कितने, 7 में से 6 घंटे बचे, इसके अंदर से 2 से 3 घंटे तो हमको ये फोकस करना ही है जेई का। नेक्स्ट जो नाटक की मैथ्स और फिजिक्स है, ये नाटक के अंदर फिजिक्स प्लस में बात करूं मैथमेटिक्स, ठीक है, ये नाटक के अंदर क्या करना हमको, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ये 2 चीज है बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 9th और 10th की, इन दोनों के ऊपर आपको ओनली मेजर लेकर आप 1 घंटा भी दे देते हो तो मुझे लगता है आप इस चीज को कवर कर दोगे, और ये चीज आपको रोजाना नहीं करनी है भैया, कितने दिन तक करनी है सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली 10 डेज, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप ये वीडियो
वीडियो अगर आप अप्रैल के 10 दिन तक, लास्ट 10 दिन से पहले देख लो, यानी कि अप्रैल तक आपको ओनली इस चीज को करना है, रोजाना का एक घंटा एक्स्ट्रा हमको निकाल कर किसको देना है, नाटक की मैथ्स और फिजिक्स को देना है, क्योंकि नाटक की मैथ्स और फिजिक्स ओनली बेसिक लेवल की, और 10 दिन का ही सिलेबस है। आराम से यार एक बंदा 10 दिन के अंदर बैठकर ही सिलेबस को कंप्लीट कर सकता है, नाटक की मैथ्स और फिजिक्स को विद क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में, ठीक है। अब भैया कहां से करने, क्या इसका सोर्सेज है, तो आपको चैनल के ऊपर नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अंदर नाटक मैंने मैथ्स के जितने भी शॉर्ट नोट्स है, जो भी नाटक पूछ रहा है बेसिक मैथमेटिक्स जो कि लास्ट ही पूछे था, उसके अंदर सब सॉल्व क्वेश्चन के साथ साथ उसके शॉर्ट नोट्स चैप्टर के पूरे 9-10 की सब कुछ दे रखा है, प्लेलिस्ट अवेलेबल, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप जरूर जाकर उसको डाउनलोड करें, प्रिपेयर कर, उसको प्रिंट निकाल कर उसको पढ़ो। ओनली 10 दिन के अंदर अंदर आप उसको कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप उसको रोजाना एक घंटा दे रहे हो तो हमको देना है ये चीज, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हो भैया, ये तो बात हो इसकी मैथ्स की, अब फिजिक्स की बात करते हो, फिजिक्स के नोट्स अभी तक मैंने अपलोड नहीं किए, तो आपको इस अप्रैल के मंथ के अंदर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 वीडियो के अंदर आपको मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा फिजिक्स के, मैथ्स और फिजिक्स। तो भैया यहाँ तक क्लियर बात होगी, ओनली एक घंटा देना है बस, कुछ नहीं करना, ये सबसे बेस्ट तरीका है बैलेंस करने का, ठीक है ना। ये तो बात होगी इसकी भैया नाटा के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, ये तो जेई और नाटा दोनों की बात होगी, क्लियर यहाँ तक। अब अपन बात करते हैं किसकी भैया, नंबर थर्ड सेक्शन है वो ये वो जब हमारे पास कौन सा होगा, पहले तो हमारे पास ड्राइंग हो गया, मैथ्स हो गया, एक नंबर थर्ड जो वो एप्टीट्यूड, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है किससे, मैथमेटिक्स से भी। सबसे हम जानते हैं कि एप्टीट्यूड जो है सबसे मोस्ट वेटेज वाला टॉपिक है, ठीक है, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स का जो वेटेज था वो भी इतना जेई के अंदर सबसे इतना, मतलब इतना ज्यादा वेटेज नहीं है, ठीक है, 100 मार्क्स का है। और हम जानते हैं कि मैथ्स और फिजिक्स के अंदर कुल मिलाकर ओवरऑल अगर बात करें तो आउट ऑफ 200 नाटा के अंदर अप्रोक्सीमेटली 20-30 मार्क्स का फिजिक्स और मैथ्स मिलाकर आती है, 20-30 मार्क्स, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं भैया एप्टीट्यूड की। अब एप्टीट्यूड के अंदर जो यहाँ पर जेई का एप्टीट्यूड है वो, और जो नाटा का एप्टीट्यूड है वो मैथमेटिक्स का रिवर्स है। जैसे मैथ्स जेई की हार्ड थी भैया, इसलिए हम उसको ज्यादा टाइम दे रहे होते हैं, और नाटक की जो मैथ्स और फिजिक्स है वो थोड़ी ईजी है, तो उसको हम टाइम कम देना है, और ओनली 10 दिन के अंदर इसको एक घंटा भी देते हैं तो इसको आराम से कवर कर सकते हैं, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पर काम उल्टा है, जेई की एप्टीट्यूड जो है वो ईजी है और नाटक का एप्टीट्यूड जो है वो ज्यादा हार्ड है। अगर मोटा मोटा बात करें ना परसेंटेज वाइज, तो जेई का एप्टीट्यूड जो है वो नाटक का ओनली कितना 25% है बस। यानी कि यार हम जानते हैं कि नाटक के ऊपर एक सिलेबस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, उस सिलेबस का लिंक आपको, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। उस सिलेबस के अंदर अपन डिस्कस किया था कि नाटक के अंदर कितने सारे टॉपिक्स हैं, एनालिटिकल रीजनिंग, एस्थेटिक रीजनिंग, ड्रामेटिकल, मतलब भर भर के टॉपिक्स है उसमें। 30 सेकंड्स भी आ रहे, वर्बल रीजनिंग भी आ रही, नॉन वर्बल भी आ रहे, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, कलर थ्योरी, एलिमेंट ऑफ डिजाइन, भर भर के चीजें। बट जेई का जो एप्टीट्यूड है वो ओनली फोकस करता है किसके ऊपर, एस्थेटिक, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, या फिर हम छोटा मोटा जो भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, बस इन चीजों से मिलाकर 50 क्वेश्चन आते हैं मात्र गिनती के। बट लेकिन नाटक एग्जाम ऐसा जहां पर पैटर्न फिक्स नहीं होता, टॉपिक्स बहुत सारे भर भर के, इतने लंबे सारे टॉपिक्स हैं, तो भैया क्या करना है हमको कि हम जहां पर एक घंटा इस जेई का एप्टीट्यूड के अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे, वहां पर प्लस एक घंटा हमको इसके लिए बढ़ा देना है, किसके, नाटक के एप्टीट्यूड के लिए। अगर हम नाटक की प्रिपरेशन कर रहे थे एक घंटा, तो हमको एक घंटा इसके अंदर बढ़ाना होगा। अब भैया दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करें, आप तो बोल रहे हो कि जेई का जो एप्टीट्यूड है वो नाटक का 25% है, कितना है, अप्रोक्सीमेटली 25% है किसका, नाटक का। यानी कि अगर हम नाटक का एप्टीट्यूड प्रिपेयर कर लेते हैं तो भैया क्या हम जेई का प्रिपेयर कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। उसके बाद अगर हम लास्ट पेपर करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जेई एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है और नाटक एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है। बट लेकिन प्रिपरेशन करते समय हमको दिमाग में ये नहीं रखना होगा कि हमको नाटक के लिए पेपर अलग से करना है, जेई के लिए पेपर अलग से करना है, ये नहीं करना है एप्टीट्यूड सेक्शन के अंदर। ओनली ये डिफरेंस कहाँ होगा, मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर सिलेबस ही भैया अलग है, यहाँ पर सिलेबस अलग नहीं है, यहाँ पर 25% कॉमन सिलेबस है इसका, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर चीज़ बहुत बड़ी समझने की है। दो मेजर लोकेशन होगी, पहली लोकेशन कौन सी है, ये वाली, जिसका तरीका नंबर वन कौन सा है, हमको पहला एक घंटा पढ़ना है जिसके अंदर हम 10 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को थोड़ी लेट देख रहे हो, अगर आपको तरीका लेट पता चल रहा है, तो आपको मई फर्स्ट वीक के अंदर इसको आप आराम से कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये तरीका नंबर वन है, और तरीका नंबर वन का ही जो सेकंड वाला पार्ट है वो ये कौन सा है, एप्टीट्यूड है, जहां पर आपको दोनों कॉमन है। अगर आप एक घंटा इसके लिए प्रिपेयर करो तो आपको एक घंटा यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़कर 2 घंटे मिलाकर टोटल एप्टीट्यूड को देना होगा, जिसके अंदर आप दोनों को एक्स्ट्रा साथ में कवर करते हो चलोगे, ठीक है। अब भाई अगर आप ये बता दो कि जेई और नाटा का जो एप्टीट्यूड है इसके अंदर टोटल मिलाकर क्वेश्चंस कितने और टॉपिक्स कितने, ताकि हमको क्लियर हो जाएगा। और साथ साथ के अंदर अगर ये बता दो कि जेई का एप्टीट्यूड के अंदर जो 25% है, वो 25% के अंदर टॉपिक कौन कौन से हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो टेंशन मत लो, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे, ठीक है।
कोई टेंशन नहीं, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो के ऊपर काम चल रहा है, आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। इसके 2 से 3 दिन के अंदर आपको देखने को मिलेगी, दिक्कत नहीं है, 2 दिन के अंदर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन के अंदर आपको वो वीडियो मिलेगी जिसके अंदर अपन जेई और नाटा के जितने भी एप्टीट्यूड के सवाल हैं, जो भी लास्ट ईयर आए हुए हैं, जो भी सिलेबस में है, उन हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को डिटेल में बता दूंगा आपको मैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक है, ये एप्टीट्यूड का, ये वाला, और यहाँ से नाटा पूछ रहा है और यहाँ से जेई पूछ रहा है, और इसका 25% अप्रोक्सीमेटली है, ये किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे क्योंकि ये चीज अलग टॉपिक है, ठीक है। ये हमको तरीका क्या है, ये तरीका अपनाना है, ठीक है भैया। तो अगर कुल मिलाकर घंटों की बात करें भैया कि 7 घंटे हो रहे हैं अप्रोक्सीमेटली बात करें, तो 1 घंटा ये हो गया, 2 से 3 घंटे ये हो गए, कितने हो गए, 4, 5, 6, 7 हो गए 7 घंटे भैया। अब यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल आता है कि जो भैया ड्रॉपर जिसने क्लास 12 के अंदर हो गई पहले ही ड्रॉप ले रखा है, उसके लिए तो आराम से 10 से 12 घंटे पड़ेगा, इसको आराम से लंबा लंबा चौड़ा कर करके हर एक के अंदर एक एक घंटा एक्स्ट्रा ऐड करके पढ़ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको पढ़ना ही पड़ेगा बिल्कुल, 10 से 12-15 घंटे की जरूरत होगी। बट लेकिन जो बोर्ड एग्जाम दे रहा है भैया, उसका क्या होगा, यहाँ पर आता तरीका नंबर 2, ये अब तक था तरीका नंबर 1, अब तरीका नंबर 2 क्या होगा, वो थोड़ा सा हो सकता है किसी किसी को सुटेबल नहीं लगे, किसी को कंफर्टेबल ना हो, किसी किसी को कंफर्टेबल हो, ठीक है। हमको बोर्ड एग्जाम तैयारी करनी भैया, हमारे पास तो मान लेते हैं आपके पास बोर्ड एग्जाम्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 घंटे देने होते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि बोर्ड एग्जाम्स मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो बोर्ड एग्जाम है ना, बोर्ड एग्जाम, ये बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बोर्ड परसेंटेज जो है, अगर आप नाटक के तो एडमिशन लेते हो तो बोर्ड परसेंटेज डायरेक्ट मेरिट स्कोर में कैलकुलेट किए जाते हैं, 50% वेटेज होता है बोर्ड परसेंटेज का, वो डायरेक्ट कैलकुलेट किया जाता है आपका। अगर आप नाटक तो एडमिशन ले रहे हो तो जहाँ जहाँ पर भी नाटक कंपलसरी, वहाँ पे आपका बोर्ड परसेंटेज मायने रखता है। बट लेकिन हम बात करते हैं जब जेई की, तो जेई के अंदर बोर्ड परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, लास्ट ईयर भी नहीं था, इस साल भी नहीं है, बिफोर लास्ट ईयर भी नहीं था बिकॉज ऑफ कोविड, जब से कोविड है जब से क्राइटेरिया हटा दिया गया है 12th बोर्ड का, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि 75% तो गए आराम से बनाई लोग, ऐसे कोई दिक्कत भी नहीं, अगर क्राइटेरिया हुआ भी तो, बट लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ओनली पास होना यहाँ पर मस्ट है, कंपलसरी, ठीक है। तो जेई के अंदर तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन नाटक के लिए हमको बोर्ड परसेंटेज की तरफ ध्यान देना होगा। उसके अलावा मेजरली अगर बात करूँ, अगर आप कंपलसरी है या नहीं है, पर लेकिन परसेंटेज तो बनानी है यार, ठीक है, अपने लिए बनाने हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम के लिए भी परसेंटेज होना चाहिए ना। कल को वही चलते चलते पूछता है भैया कि कितने परसेंटेज थे 12th के अंदर, तो बोल सकते हैं कि यहाँ भाई 95, 94, 89, 88, 85, 92, 96 कुछ बोल सकते हैं ना यार, ताकि एक घर उसे चल सके बोलकर, ठीक है, उसके लिए तो चाहिए, है ना। तो यहाँ बात करें तो उसकी तरफ पूरा ध्यान देना भैया, तो कोई दिक्कत नहीं, 5 से 6 घंटे अगर आप दे रहे हो तो भैया हमको 7 घंटे मान लेते हैं, आप 2 घंटे हमारे पास भैया नहीं है, ये मांग के चले, ये जो 2 घंटे था हमारे पास नहीं है, हमको 5 के अंदर ही मैनेज करना है, वो बताओ कैसे करना है। तो उस तरीका नंबर 2 बात कर लेते, अब क्या तरीका नंबर 2 है, जो तरीका नंबर 2 है वो ये कि आपको ये 1 घंटा है और ये जो 1 घंटा है, इन दोनों 1 घंटे को हटाना होगा। तो भैया क्या पढ़ना छोड़ दें, नाटक की मैथमेटिक्स को फिजिक्स को पढ़ना छोड़ देते हैं और इसका एप्टीट्यूड पढ़ना छोड़ देते हैं, नहीं। अब यहां पर एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब भैया एक के बाद एक, एक दिन एक, एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन, इसको बोलते ऑल्टरनेट वाला तरीका, ये तरीका नंबर 2 है। डेफिनेटली यार तरीका नंबर 2 जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, मतलब जो काम हम 10 दिन के अंदर कर रहे थे वो काम किस में मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, किसमें, तरीका नंबर 2 के अंदर वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, वो आपको 20 दिन में करना पड़ेगा क्योंकि आप ऑल्टरनेट काम कर रहे हो। क्या मतलब ऑल्टरनेट का, यूं है अगर आप नाटक के अंदर बात करते हो तो 1 घंटा ये है जो, 1 घंटा ये है, इन 1 घंटे को कॉमन हम लोग ऑल्टरनेट ले लेंगे, लेकिन हम कुल मिलाकर 2 घंटे दे रहे थे, इस पूरे एप्टीट्यूड को 1 घंटा देना होगा। अब जो 1 घंटा होगा उसके अंदर हम जेई का कुल मिलाकर जो यहाँ पर जो दोनों का कॉमन एप्टीट्यूड है, उन सबको हमको एक लिस्ट बनानी होगी, एक वीडियो आपके पास आएगी उसके अंदर आपको लिस्ट बनानी होगी जितने भी एप्टीट्यूड के टॉपिक्स है कॉमन वाले, उन सभी के कॉमन टॉपिक्स को हमको एक एक करके टॉपिक्स को लेना होगा, रोजाना का 1 घंटा देना होगा। एक दिन 1 घंटा एप्टीट्यूड का दिया, अल्टरनेट 1 घंटा इसको मैथ्स को दिया, 1 घंटा फिर इसका दिया, फिर 1 घंटा इसका दिया, फिर अगले दिन 1 घंटा इसका, फिर अगले दिन 1 घंटा इसका, यानी कि हफ्ते के अंदर 3 दिन आप इसको करोगे, हफ्ते के अंदर 3 दिन आप इसको करोगे, तो अप्रोक्सीमेटली आप जो 10 दिन में कवर कर रहे थे सिलेबस, वो आप यहाँ पर 20 दिन के अंदर कवर कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको बोर्ड एग्जाम की तरफ डेफिनेटली ध्यान देना है और अच्छे परसेंटेज गेन करने हैं बोर्ड के अंदर, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में, ठीक है। तो ये हमारे पास तरीका नंबर 2 है। अब तरीका नंबर 1 भी बेस्ट है, अगर आप चाहो तो 10 दिन के अंदर कवर कर दो, अगर आप 10 दिन के अंदर कवर कर देते हो, मुझे लगता है अगर आप तरीका नंबर 1 से चलोगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मार लोगे, 10 दिन की बात ही तो है, 10 दिन के बाद, तो भैया आपको बोलने का मतलब क्या है कि 10 दिन के बाद पढ़ना छोड़ देना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। 10 दिन नंबर बोलने का मतलब ये कि 10 दिन के अंदर आप अगर 1-1 घंटा रोजाना पढ़ रहे हो, एक्स्ट्रा 2 घंटे एफर्ट लगा रहे हो, तो आप इसका सिलेबस कंप्लीट कर दोगे, और इसका सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब ये होता है कि आप 10 दिन के बाद जब मई आ जाएगा
या फिर बात करूं तो मेकर सेकेंड वीक आ जाएगा, तो वहां से आप इसको ओनली हफ्ते के अंदर एक या दो दिन पढ़ोगे तो भी चलेगा, ओनली रिवीजन के लिए। ओके भैया, चीजों का रिवीजन तो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे से याद करने के लिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी में अच्छे फिक्स करने के लिए रिवीजन तो करना पड़ेगा, बार बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा। हफ्ते के अंदर एक या दो घंटे भी अगर आप दे दोगे, मतलब हफ्ते के अंदर ओनली मान लो एक या दो दिन के अंदर एक या दो घंटे भी अगर आप दे दोगे रिवीजन के लिए तो भी इससे काम हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इसका 10 से 15 दिन के अंदर रिवीजन कंप्लीट कर चुके हो। ये यहाँ पर तरीका नंबर 1 जो है उसका बेनिफिट है, पर लेकिन तरीका नंबर 2 जो है उसके अंदर आपको अल्टरनेट काम करोगे तो आपको 20 दिन अप्रोक्सीमेटली सिलेबस को कवर करने में लग जाएगा, और इस 20 दिन को सिलेबस कवर करने के बाद जो है आप अप्रोक्सीमेटली मई खत्म होने में आ जाएगा, उसके बाद आप रिवीजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लेट हो जाएगा बट लेकिन हमको बोर्ड की तरफ अप्रोक्सीमेटली पूरा पूरा ध्यान देना होगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड परसेंटेज भी बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन के अंदर, ठीक है ना। तो ये दोनों ऐसे तरीके हैं, ये दोनों ऐसे मेजर यहाँ पर लोकेशन है जहां पर हमको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना होगा, ठीक है। तो यार ये जो तरीके हैं वो यहाँ पर बहुत बड़ा चीज और मायने रखती है, वो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, ठीक है। तो यार इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम नाटा और जेई को बैलेंस कर सकते हैं। ये हमारे दिमाग में चीज को निकाल दें, जो कि सबसे पहले तो यार कि नाटा और जेई को बैलेंस करने के लिए हमको अलग अलग टाइम को जोड़ना होगा, 4 घंटे इसके 4 घंटे इसके मिलाकर 8 घंटे देने होंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। आप 5 से 6 घंटे के अंदर भी नाटा और जेई दोनों के प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि हमको वो लोकेशन ध्यान देनी है, उन लोकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है जो कि इन दोनों में डिफरेंशिएट क्रिएट करती है, दोनों को डिफरेंस बनाती है। वो दोनों लोकेशन मैंने आपको बता दिए वो लोकेशन कहां कहां पर है, ठीक है। और मजेली इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आ रही है किसके ऊपर, एप्टीट्यूड के ऊपर, जो कि मेन जहां पर बहुत सारे टॉपिक्स भरे पड़े हैं, छोटे बड़े मिलाकर वो सभी आपको यहां पर डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है ना। और ट्राई करेंगे हम लोग यार इसका पूरा एप्टीट्यूड जो कि इसके हम 10 से 10 दिन के अंदर कवर कर रहे हैं, इसको हम अगर 15 दिन भी करते हैं तो साथ साथ के अंदर इसको 15 दिन करके रोजाना करके इसको हम अच्छे से कवर करते हैं। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑल्टरनेट वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो, उसके बाद आप इसको आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा यार लगे रहो या दम लगाओ, मतलब जोर लाकर, मतलब पूरे मन लाकर काम करते रहो, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, एग्जाम आगे हो गया है, भगवान की दया से ऊपर वाले का आशीर्वाद, इसको एक बड़े अपॉर्चुनिटी मानो, बड़ा चांस मानो कि हमको इतना मौका मिल गया है। इतना मौका ऐसे आसानी से मिलता नहीं है, 2 महीने आगे हो गया है, क्योंकि 2 महीने का मतलब 60 दिन और इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 days नाटक के लिए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो यार इसको इसका फायदा उठाएंगे और जरूर पूरी तरह से मेहनत करते रहेंगे, चैनल को नया सब्सक्राइब जरूर से कर देना है, ठीक है। इस बार इतिहास के पन्नों के अगला जो टॉपर की लिस्ट का नाम आएगा उसके अंदर हर एक स्टूडेंट जो आज ये वीडियो देख रहा है उसका नाम मुझे उस वाली लिस्ट के अंदर चाहिए होगा, अंडर 500, अंडर 1000, अंडर 10 एंड ऑल इंडिया रैंक 1। अगर आप वो सपना लेकर चल रहे हो, सपना जरूर हमको बड़ा देखना है यार, सपना बड़ा देखेंगे तब हम उसके लिए उतनी ज्यादा मेहनत कर पाएंगे, अगर सपना छोटा लेकर चलेंगे तो मेहनत उतनी नहीं कर पाएंगे। सपना बड़ा लेकर चलो, उसके रात उसकी जितनी उसकी मेहनत चाहिए उतनी, जितनी रातें हमको खाली करनी है, जितने घंटे हमको पढ़ना है उतने घंटे हमको उसकी तरफ मेहनत करनी पड़ेगी, बस उसकी तरफ फोकस है। गोल बना लो, हमेशा बोलता हूँ दीवार के ऊपर चिपका दो, जितने परसेंटाइल हमको चाहिए, जितना रैंक हमको चाहिए कि भैया मुझे अंडर 100 रैंक चाहिए, उसको दीवार पर चिपका दो, रोजाना 50 बार उसको देखो कि अंडर 100 रैंक, अंडर 100 रैंक जब मेरे आ जाएगी तब क्या होगा, तब मेरे सर सोसाइटी क्या होगी, तब मेरे सराउंडिंग, तब मेरे पेरेंट्स कितना खुश होंगे, तब मैं कितना खुश होऊंगा या खुद कितना खुश होंगी, वो बहुत बड़ा चीज जो आपको मोटिवेट हमेशा रखेगा, ठीक है। तो यार बाय बाय, गुड बाय।